मर्द कमजोर और कायर नामर्द है, वो लड़ना नहीं जानता। निर्भया के बाद लाखों करोड़ों बेटियों का बलात्कार हुआ इस देश में। मैं डेली 100 बलात्कार 10-15 बलात्कार में जाता हूँ। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास गरीब के बच्ची होती। नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है और इसका जो है जीता जागता उदाहरण है अभी अभी हुआ बेगूसराय का घटना। जी हाँ, यहाँ पर 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले ने खूब ज्यादा तूल पकड़ लिया और अब बता दें कि इस मामले में पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। अच्छा मैम, बस मेरा सिर्फ इतने भाई से रिक्वेस्ट है, बछवाड़ा में 2 दिन पहले एक बच्चे का और किडनैपिंग हुआ है, उसको भी एक बार आप दिखवा लें और इसको पूरा का पूरा घर खुलवाना जरूरी है। शायद बहुत सारे अवशेष मिल सकते हैं जो मैं देखा हूँ, इससे मेरा लगता है आपके नॉलेज में मैं दे रहा हूँ। जी जी ठीक जी ठीक है जी। हाँ, कोई घर बाकी है, कोई घर बचेगा? जो मीडिया ट्रायल होता है वो दिख जाता है, जो मीडिया ट्रायल नहीं होता है, गरीब और कमजोर लोगों का घर होता है उसको दबा दिया जाता है। गांव में सुनिए, पहले नहीं बच सकती बेटी, मर्द कमजोर और कायर नामर्द है, वो लड़ना नहीं जानता। निर्भया में हो हुआ, राजनीति हुई, एक सरकार बन गई। निर्भया के बाद लाखों करोड़ों बेटियों का बलात्कार हुआ इस देश में। मैं डेली 100 बलात्कार 10-15 बलात्कार में जाता हूँ। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास गरीब के बच्ची होती है, किसी नेता के बच्ची क्यों नहीं होती, किसी IAS IPS पदाधिकारी की बेटी क्यों नहीं होती, किसी माफियाओं की बेटी क्यों नहीं होती, किसी पूंजीपति और कैपिटलिस्ट की बेटी क्यों नहीं होती, गरीब कमजोर तबके और लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास का ही बच्ची क्यों होता है? और ये ताकतवर लोग कभी भी ऐसी घटना को आगे नहीं बढ़ने देते। बगल में मणिपुर दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा कलंकित नहीं है? 3 घंटे तक इंटरनल नंगा करके पार्ट छूता रहा 10,000 आदमी। हमारी 15 साल की बेटी, हमारी बेटी प्रकृति देखी होगी क्या बीता होगा, हमारी बहन देखी होगी UP में क्या देखा होगा, मेरी भगनी देखी होगी क्या बीता होगा। 10,000 लोगों के साथ बारी बारी सामूहिक बलात्कार किया, फिर भी इस देश की महिलाएं नहीं निकली। मणिपुर की औरत निकली लेकिन देश की महिला नहीं निकली। किसान 900 मरे तब भी नहीं निकला, मजदूर मिला तब भी नहीं निकला, यूथ मरता है तब भी नहीं निकला। कब तक? MBA की एक लड़की AC सिंह, डिस्ट्रिक्ट जज की भगनी, रिटायर्ड प्रिंसिपल की नातनी, 7 महीना पहले सोनू क्रिमिनल गैंग किडनैप किया, उसको सुई दे करके नेताओं के घर ले गए। क्या हुआ बरूना बलात्कार केस का? CBI ने जांच कर लिया। क्या बरूना में कोई पदाधिकारी नहीं था? क्या उसमें DIG इन्वॉल्व नहीं थे? क्या उसमें नेता इन्वॉल्व नहीं था? क्या उसमें MLC? जैसा कि आपने सुना कि पप्पू यादव ने यहाँ पर साफ तौर पर न्याय की बात कही है और कहा है कि पीड़ित के साथ न्याय होना जरूरी है और ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोगों को मृत्यु की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बेटियों के साथ यह अन्याय हो रहा है ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, इस पर जरूर संज्ञान लिया जाना चाहिए। साथ ही इसमें जो भी अपराधी है, आरोपी है, उस पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।